मेवात से निकल रहा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर बस में लगी आग से दर्जनों यात्रियों की जान बचाने वाले नदीम घुस बैठी नफीस मौनितिन धुलावट को भी सम्मानित किया गया। पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह पिचारणिया ने कहा है कि इन तीनों का ही तीन वीर युवाओं का केस गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिया है, जल्द ही इन्हें वहां से भी सम्मान मिल सकता है। बता दें केंद्रीय गृह मंत्री जीवन रक्षा पदक होता है, उसके लिए तीन नौजवानों का केस केंद्रीय गृह मंत्री के पास फॉरवर्ड कर दिया गया है। आपको बता दें कि केएमपी पर मेवात के मुस्लिम युवाओं ने श्रद्धालुओं की जान बचाई थी। एडिशनल एसपी सोनाक्षी सिंह का कहना है कि सिर्फ मेवात में आपको बता दें कि ये देखने को मिला है कि भारी श्रद्धालुओं से भरी बस में आग लग गई थी केएमपी पर, और मेवात के नौजवानों ने श्रद्धालुओं की जान बचाई थी। उन्होंने कहा कि आपसी एकता ये बहुत अच्छी मिसाल है, उन्होंने भविष्य में भी मेवात में भाईचारा और स्वार्थ बनाए रखने की आशा की है। उन्होंने हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ खड़े रहने की भी अपील की है। श्रद्धालुओं की जान बचाने वाले मौतीन ने पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा है कि श्रद्धालुओं की बस में आग लगी हुई थी, उसको रुकवाकर काफी मदद की और कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन जो नहीं बच पाए उनका हमें बेहद दुख है। तीनों युवाओं ने नूह एसपी नरेंद्र सिंह पिचारणिया द्वारा सम्मानित किए जाने पर उनका धन्यवाद किया है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली रिपोर्ट। बस में उन्होंने यात्रियों को बचाया था, रात को 2 बजे के आसपास सबको निकाला, हॉस्पिटल पहुंचाने में किया। उनको सरकार को लिखा गया है, उनको केंद्रीय गृह मंत्री जीवन रक्षा पदक होता है उसके लिए उनका केस फॉरवर्ड कर दिया गया है। हमें हाल में ही जो केएमपी एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ था उसमें भी बहुत दुखद घटना थी, पर उसमें भी ये चीज हमें देखने को मिली कि कैसे वृंदावन से जो तीर्थयात्री आ रहे थे उनकी बस में आग लगने पर जो हमारे यहाँ के नौजवान थे उन्होंने उस बस को रुकवाया और हर संभव मदद की। तो ये अपने आप में एक आपसी एकता की बहुत अच्छी मिसाल है, और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी ये आपसी सौहार्द और हमारे आवाम में जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे और सभी लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहें। इस मान सम्मान की वजह से बहुत ही खुशी, बहुत ही गर्व पैदा हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। उस दिन का मामला यह था कि 2 बजे का टाइम था रात का, और वो श्रद्धालु से वृंदावन से आ रहे थे वे, तो वहाँ उसमें अचानक आग लग गई थी। जितनी हमारे पे हो सके इतने बचाए, और जो ना बच पाए उसका अब भी दुख है हमें। अब यही है भाई, यहाँ आ गए एसपी साहब ने सम्मानित किया है, और मौजूदा लोग है, चेयरमैन साहब है, सरपंच है, इनका सब उनका हम बहुत ही गर्व से महत्व करते हैं कि इसने यहाँ तक हमें लेकर आया है। तो किस तरह से क्या यहाँ भाईचारा है और किस तरह से क्या युवाओं से अपील करना चाहिए? यही है जी कि भाईचारा तो बहुत अच्छा है, सभी साथ है, सभी मिल गए हैं। दूसरी बात है जितना भी हो सके जी, और आगे प्रस्ताव भेजा गया एसपी साहब ने, केंद्रीय मंत्री को भेजा है, और जैसे भी रहता है हम तो चाहें कि आगे से और भी कुछ हमें करने को मिले जी।